हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज हम लोग बात करेंगे अणु, परमाणु और आयन की। इससे पीछे वाले क्लास में मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखा, तो जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं वो उन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और वो सारे टॉपिक आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इवन आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दो या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी वगैरह, किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चंस आते हैं उन सारे टॉपिक से। तो वो सारा टॉपिक आपका क्या क्या है, जो नॉवेल गैस, अक्रिय गैस, उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पदार्थों की अवस्था, ये सारे टॉपिक मैंने करा रखा है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोग बात करेंगे परमाणु, अणु एवं आयन की। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अपने थंबनेल पे ये लिखा था कि इस वीडियो को 0.35% लोग ही देखे। ऐसा मैंने इसलिए करा था क्योंकि हमारे चैनल पे टोटल 14 लाख सब्सक्राइबर है और उसमें से 5000 हमारे व्यूवर हैं साइंस के वीडियोज़ को देखते हैं। तो मेरे को लगा कि जो साइंस की रिक्वायरमेंट है हमारे व्यूवर को, उसमें से 0.35% ही ऐसे व्यूवर हैं जिसको साइंस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने लगाया और इसका कोई मकसद नहीं था। तो चलिए बिना कुछ हम लोग टाइम को गमाए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोग का सेशन है वो है परमाणु, अणु एवं आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। इसके पिछले वाले सेशन में मैंने यूट्यूब पर भी बताया हुआ है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उसके वो छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। हमने इस चीज़ का डिस्कशन पदार्थों की अवस्था वाले चैप्टर में किया है और वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे आपको ये बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं, लेकिन वो कण क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। और दूसरी बात कि आपका अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा इनिशियली जा करके देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके हर एक वन डे एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन को जानने से पहले हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करना होगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए, आपको मैंने बताया था कि पदार्थ की अवस्था होती है 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर में। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के टोटल कितने अवस्था होते हैं, 5 स्टेट होते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब पदार्थ को हम लोग रासायनिक आधार पे किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसकी बात करें हम लोग तो कहते हैं पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मैटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है शुद्ध पदार्थ। पहला कौन सा होता है, शुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग प्योर मटेरियल का नाम देते हैं। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। दूसरा कौन सा होता है, अशुद्ध पदार्थ, और इसको हम लोग इम्प्योर मटेरियल का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो ये आप लोग के माइंड में खटक रहा होगा कि सर ये अब प्योर और इम्प्योर कहाँ से आ गया। आप लोग गांव में या कहीं भी जाते होंगे तो घी का नाम सुने होंगे। आप लोग क्या कहते हैं कि दुकानदार को कि शुद्ध घी दीजिएगा हमको, ऐसा बोलते हैं। ये कहीं पे दुकान पे आपका बैनर भी लगा हुआ रहता है कि शुद्ध घी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, या फिर आप कहीं पे जाते हो तो आप कहते हो कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो प्योर चाहिए, इन द सेंस ऑफ कोई भी सब्सटेंस वगैरह। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध घी का मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कशन किया, शुद्ध घी का डिस्कशन इसीलिए किया कि शुद्ध घी में सिर्फ और सिर्फ घी के कण होंगे, किसी और चीज़ के कण नहीं होंगे। सुनिए, शुद्ध घी में सिर्फ घी का कण होगा, डालडा का कण नहीं होगा, इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या बोला, शुद्ध घी। मतलब यहाँ पे सिर्फ घी का कण होगा, इसका मतलब हुआ समान कण होंगे। तो आप क्या सकते हैं कि जो मटेरियल मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कण से मिलके बना हो, मतलब क्या कि जिसके कण क्या हो, समान हो, एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो, उसको हम लोग कहते हैं प्योर मटेरियल। एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्योर मटेरियल कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब अशुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में जवाब देंगे, क्या कहेंगे, विभिन्न प्रकार के कण से मिलके बना हो, विभिन्न प्रकार के कण से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये मेरा इम्प्योर मटेरियल है।
अब आप कहोगे सर ये तो डेली लैंग्वेज डेली लाइफ की बात है, आपके दैनिक दिनचर्या में इस तरह की बातें फील करते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करोगे? तो कहोगे आपके मन में सिंपल आ रहा होगा, चलो सर आपने डेफिनेशन जब लिख दिया तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्योर मटेरियल एंड द इम्प्योर मटेरियल। तो आप सिंपल वे में कहेंगे प्योर मटेरियल आपके पास दो हैं, कौन से? पहला है आपका तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग कंपाउंड। और आपका जो इम्प्योर मटेरियल है वो इम्प्योर मटेरियल है आपका मिक्सर, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में कोई सेशन नहीं करा है, तो अभी इसका ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना, अभी सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर से जितने कंसेप्ट होंगे उसी को लेंगे। तो अब यहाँ पे आपका दोनों टाइप के मैटर्स दिख रहे हैं। आप लोग पढ़ते आए होंगे अभी से अभी तक कि जो एलिमेंट होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, एटम। क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है? एटम। और यौगिक जो होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अणु और परमाणु तो मिल गया, लेकिन ये जब केमिस्ट्री पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी तब की बात है, उससे पहले ऐसा नहीं था मानना कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होगा। ये तो जब डेवलप हो गई, आप लोग पढ़ लिए तो मैंने आपको बताया। इससे पीछे का सीन कुछ ऐसा था कि जिस समय आपका सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, यूनिवर्स में तरह तरह की घटनाएं हो रही थी, आपके आसपास में चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था, सारी चीज़ हो रहा था, तो उस समय हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, साइंटिस्ट के पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे। तो उस समय के जो ऋषि मुनि लोग थे वो सारे इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे। तो उन लोगों का क्या मानना था, ऋषि मुनि का क्या मानना था, अगर आप इस चीज़ को अभी थोड़ा देर के लिए इरेज कर दो और थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाओ, तो प्राचीन जमाने में चलो, थोड़ा सा एनिशियन टाइम में, तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन लोगों का मानना था, क्या मानना था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं वो पांच तत्व से मिलके बने हुए हैं। और इसका उल्लेख संस्कृत में भी है, जहाँ पे ये बोला गया है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये चीज़ बोला गया। और इस श्लोक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पंच तत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसको? हम लोग इंग्लिश में फाइव एलिमेंट कहते हैं। और ये पाँच तत्व कौन कौन से हैं? ये पाँच तत्व हैं आपका अग्नि, कौन सा है? अग्नि, आकाश, वायु, जल और मिट्टी। आप लोग खुद सोचो कि जिस समय इन 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 चीज़ पे डिस्कशन किया जा रहा होगा, क्योंकि ये आपके नेचर की चीज़ है, ये आपके डेली लाइफ में मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इसका क्या इस पे साइंस टिकी हुई है? क्या ऐसे साइंस चल जाएगा कि हम कह दें कि कोई पदार्थ जो है वो पांच चीज़ से मिलके बने होंगे, अग्नि, आकाश, वायु, जल और मिट्टी से? क्या इस तरह से पॉसिबल है? नहीं है। ये उस समय के लोगों की अवधारणा थी। जब उस समय के लोगों की ये अवधारणा थी तो उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि थे, कुछ उसमें से भारतीय ऋषि मुनि भी थे, कुछ फॉरेनर भी थे, विदेशी भी थे। उसी में से एक ऐसे ऋषि मुनि थे जिसका नाम था कनाद, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, जिसका नाम क्या था? कनाद। और इन्होंने क्या बताया कि जो भी पदार्थ हैं वो सारे सूक्ष्मतम कण से मिलके बने हुए हैं, और उस सूक्ष्मतम कण का नाम है परमाणुस। क्या नाम है? परमाणुस। और इस परमाणुस के बारे में बताया कि ये परमाणुस जो है अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए, सुनिए, यहीं पे आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि किस ऋषि मुनि के आधार पे या किस ऋषि मुनि के द्वारा पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है? तो चूंकि कनाद ने परमाणु से नाम दिया था, लेकिन बोलचाल में हम लोग इसको परमाणु लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कनाद के अनुसार। लेकिन तब तक हमारे पास साइंस की जो एक डेवलपमेंट थी वो डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुकी थी। जब पूरी डेवलपमेंट हो चुकी थी तो लोगों को एक साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत थी। उस साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए दो साइंटिस्ट आगे आए। कितने साइंटिस्ट आगे आए?
दो साइंटिस्ट, पहला कौन? लैवोजियर, नाम सुने होंगे आप लोग, पहला कौन आए? लैवोजियर और दूसरा आए प्राउस्ट। लैवोजियर और प्राउस्ट, इन दोनों ने मिलकर के पूरे केमिस्ट्री को संतुलित करने के लिए, मतलब पूरे केमिस्ट्री रसायन की डेफिनेशन को समझाने के लिए दो लॉ को पारित किया, और इसी दोनों लॉ से ये फिक्स हो गया और ये बातें समझ में आने लगी कि पदार्थ का कोई ना कोई तो सबसे स्मॉलेस्ट कण है, कोई ना कोई सबसे छोटा कण है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी ये दो इम्पॉर्टेंट लॉ क्या थे जिसने केमिस्ट्री को बदल के रख दिया। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, मास कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा था आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। ये दो आपके इम्पॉर्टेंट थे। अब देखो कि ये दोनों क्या हैं। मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री में इन सारे चीज़ों को समझने के लिए दो लॉ दिए गए, और वो दोनों लॉ कौन दिए थे? लैवोजियर और प्राउस्ट। लैवोजियर ने आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मास कंजर्वेशन रूल को प्रतिपादित किया था। तो पहला लॉ है आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। मास कंजर्वेशन रूल, आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हो मास कंजर्वेशन रूल। ये मास कंजर्वेशन रूल देखो क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट देंगे उतना ही प्रतिफल बनेगा। आपको मैंने केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में बताया हुआ है, तो अगर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में ना आए तो पहले इस वीडियो को स्किप कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले वीडियो को देखें, उसके बाद समझ में आएगी ये चीज़ लो। अब देखो कि मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल कि सर जब आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस H2 और Cl2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 2HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। सो हियर वी आर सेइंग अबाउट दैट दीज टू सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट। यहां पे अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? रिएक्टेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक या प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक। और ये आपका इन दोनों के रिएक्शन के बाद बना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे मास कंजर्वेशन रूल, और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जितना अभिकारक देंगे उतना ही प्रतिफल बनेगा, मतलब द्रव्यमान न तो डिस्ट्रॉय होगा और न ही कोई नया द्रव्यमान क्रिएट होगा। अब जब ये बात है तो हमको तो देखना पड़ेगा। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? आप लोग बोलोगे सर एक। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? तो दो, तो 1 2 जा कितना हुआ? दो। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम हैं? दो, तो 35.5 इंटू 2 कितना हो गया? 71। दोनों को आप जोड़ें तो 71 प्लस 2 कितना हो जाता है आपका? 73। और इधर HCl में आए, यहाँ आणविक भार निकलेगा, मॉलिकुलर वेट निकलेगा। बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही होगी कि मॉलिकुलर वेट कैसे निकाला जाता है, तो जब इस पर एक नया सेशन करेंगे वहाँ पर समझेंगे। अभी समझ लो कि किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी यौगिक होगा, तो उसका हमेशा मॉलिकुलर वेट निकलता है, जबकि एटम का एटॉमिक वेट निकलता है, जो आपको याद करना पड़ता है। और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? कि HCl आप देख रहे हैं, ये एक कंपाउंड है आपका, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? एक। लेकिन यहां पे दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो 1 × 2 और फिर आपका 35.5 × 2 दोनों मिल करके ये कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे भी 71 73। अब आप इसको AMU में लिख लो या ग्राम में लिख लो, दोनों, और आप देखेंगे कि जो 73 AMU एटॉमिक मास यूनिट या 73 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप ग्राम में कह लो, पर अभिकारक भी उतना ही है, प्रतिफल भी इतना ही है। मतलब बोला लैवोजियर ने बताया, इस रूल को कौन बताया था? लैवोजियर ने।
और लैबोजियर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसका ह्रास होता है, मतलब टोटल मास संरक्षित रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कंजर्वेशन रूल कहते हैं। सुनिए, इसी पे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो लैबोजियर ने प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर की द्रव्यमान हमेशा समान होती है, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। अब आते हैं हम लोग, अब यहां से क्लियर क्या हुआ, यहां से क्लियर ही हुआ ये कि कोई तो ऐसे कण है पदार्थ के जो एक्चुअल वेट में जाकर के एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ये परमाणु है। यहां तक अभी तक दिमाग नहीं पहुंचा था, ये सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साइंस का एक सीरीज है पूरा डेवलपमेंट का, आपने देखा होगा, हर एक डिस्कवरी से पहले, हर एक इन्वेंशन से पहले कुछ ना कुछ उसकी घटनाएं होती है जो फॉलो करना होता है हम सबको। तो उसी तरह साइंस फॉलो कर रहा था वहां पे, जब ये अपना लॉ देकर के हटा तो प्राउस्ट ने क्या बताया, प्राउस्ट का देखो नियम क्या कहता है। आइए अब है हम लोगों के पास ये निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन रेशियो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया, इस खोज की सबसे पहले बात कौन की थी, तो इसकी बात प्राउस्ट ने की थी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है, इसकी खोज किसने की थी, प्राउस्ट ने। और क्या बताया था कि जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी यौगिक हैं आपके पूरे केमिस्ट्री में, उन सब के तत्व एक दूसरे के साथ हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। मतलब क्या कि जितने भी प्योर स्पेसिमेन हैं केमिस्ट्री में, प्योर स्पेसिमेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी कंपाउंड है केमिस्ट्री में, अगर आप सिंपल वे में बोलें, सिंपल लैंग्वेज में बोलें, तो उन्होंने बताया कि सारे यौगिक कि जो अभी तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं, और ये अनुपात हमेशा फॉलो होता है चाहे सिचुएशन किसी भी तरह का क्यों ना हो। जब इसकी चर्चा हुआ तो बोला कैसे, तो भैया इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल है H2O वाटर, क्योंकि इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। अब ये वाटर में क्या होता है, किस तरह से होता है, व्हाट इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन लॉ, या क्या है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। यहाँ पे देखो कि वहाँ आप कहोगे वाटर जो बना तो इसमें हाइड्रोजन की भी जरूरत हुई और ऑक्सीजन की भी जरूरत हुई, हाइड्रोजन की भी जरूरत हुई और ऑक्सीजन की भी जरूरत हुई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, कितने एटम हैं, दो एटम, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1:2:2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 2:16 यहां से रेशियो निकाल देते हैं, 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप पानी को चाहे तो कुआं का पानी ले लो, चाहे आप नलके का पानी ले लो, चाहे आप किसी नदी का पानी लो, चाहे ट्यूबवेल से निकालो पानी, चापाकल से निकालो पानी, या कीचड़ वाला पानी लो, कहीं से भी लाओगे पानी, उन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 के रेशियो में होगा, और ये रेशियो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह के कंपाउंड को ले सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा सा था, क्योंकि तुम लोगों से बहुत कोई बोल भी देता है कि सर तो छोटा वाला एग्जांपल ले लिए, बड़ा वाला लीजिए, तो एक बड़ा सा C6H12O6 नाम सुने होंगे इसका, ये क्या है आपका ग्लूकोज है। यहाँ पे अगर हम इसका सिंपल रेशियो निकालें इसके एटम का, तो आप कहेंगे 6:12 यहाँ पे सिंपल, चलो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो कार्बन का हम लोग कहते हैं 6 और 12 ना, तो 6 और 12 तो ये 72, ये हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 16 6 96, ये आपका हो गया 72 12 और 96। अब देखो ये कटेगा और कट के ही आपका ये रेशियो आएगा, ये बरछक है 72 68 96, ये इस तरह से। मतलब अब ग्लूकोज में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 6:1:8 के रेशियो में होगा, 6:1:8 के रेशियो में होगा।
और ये रेशियो फिक्स होगा, कभी परिवर्तित नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम बोलते हैं। देखो जब ये दोनों चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, तब हमारे पास आए कौन, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, उसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। और इन्होंने ही सबसे पहले अपना थ्योरी दे करके ये बताया कि पीछे जो लेवोजियर और प्राउस्ट ने जो रूल बताया है वो बिल्कुल ही सही है, और इस रूल के बेस पे हम कह सकते हैं, जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई तो ऐसा कण है जो बदल नहीं रहा है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ है वो है परमाणु। वो क्या है? परमाणु। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे ले आए, तो इसके बारे में डाल्टन ने अपना एक थ्योरी दिया था और इसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, ये किस तरह से परमाणु को एक्सप्लेन किए। पहला चीज, ऐसे एक चीज और आपसे अगर कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु को खोजा या परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, डाल्टन का। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों लॉ के बाद डाल्टन आकर के क्या कुछ बोल दिए। डाल्टन ने सबसे पहला चीज ये कि डाल्टन ने अपना एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस सारे लॉ को मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि सारे चीज समझाने वाले हैं इसमें। पहला इन्होंने बताया, पहला ही पार्ट में, कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण सूक्ष्मतम कण परमाणु है। जिसे अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा बताया कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक गुण एवं आकार वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा बताया कि विभिन्न तत्व के परमाणु का गुण भिन्न होता है। भिन्न होता है, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया वो यहां पे चौथा, कि तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा और यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु होगा। ये चार अपना थ्योरी दिए, वक्तव्य दिए वो। अब देखो इस चारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला। पहला बोला कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है जिसे अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इसका जो सेंस था पदार्थ बोलने का ये था कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन है, परमाणु है, और परमाणु को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका ये पहला पॉस्टुलेट था।
किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक गुण एवं आकार वाले होते हैं और विभिन्न तत्व के परमाणु का गुण भिन्न होता। बोला कि अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के जो और जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी एटम होंगे, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसका आकार भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम, मतलब एवरीथिंग सेम, सारा चीज सेम होगा। और अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की तुलना करें तो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और तीसरा सबसे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होगा, यौगिक परमाणु होगा। एक चीज जो ये सबसे बेटर चीज बताया वो क्या बताया कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था। तो यहीं से इस बात का एक प्रमाण तो हमको मिल गया कि किसी भी तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो क्या है, परमाणु है। और डाल्टन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कन्फर्मली रूप से मतलब इस चीज़ को बताया कि नहीं, कोई भी जो एलिमेंट होगा ना उसका सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं परमाणु का आविष्कार कौन किया, तो जॉन डाल्टन ने किया। कौन किया, जॉन डाल्टन ने। जब आप यहाँ पे ये चीज़ समझ जाते हैं तो एक चीज़ और आप लोगों के माइंड में खटक रहा होगा कि परमाणु सिद्धांत आगे चल के गलत हो गया था। दैट्स आर नोन एज द ड्रॉबैक ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। बोलोगे क्या दोष है, जरा सा ये भी बताइए। अब जब इसके दोष की बात करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन टॉक अबाउट दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज नोन एज एटम एंड दैट कैन नॉट बी डिविजिबल। ये डिविजिबल नहीं है, परमाणु के बारे में वो बोला था इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में जब आपका सारी चीजें डेवलप हो गई तो इसी परमाणु को आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड तो करते हो, और इसी को तो आप बोलते हो कि ये परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो कहीं ना कहीं डाल्टन बाबा का ये वाला बात क्या हो गया, गलत साबित हो गया कि वो बोले कि परमाणु विभाजित होता है, नहीं होता है, जबकि आज के समय में परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। दूसरा बोले कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक गुण एवं आकार वाले होते हैं। ये बात बहुत सही है हद तक, लेकिन यहां पे आके वो फंस गए कि आपको आपको पता है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आप बिल्कुल कहेंगे कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, तो ये एक ही तत्व हाइड्रोजन के ही सारे परमाणु हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन आप इन तीनों का परमाणु भार देखोगे तो एक का परमाणु भार एक है, जबकि दूसरे का परमाणु भार दो है, और तीसरे का परमाणु भार कितना है, तीन है। एक का परमाणु भार एक, दूसरे का दो, और तीसरे का क्या है आपका, तीन है। जब आप परमाणु भार की बात कर रहे हो तो उसका तो शेप भी चेंज होगा। अब जब शेप चेंज होगा मतलब जाहिर सी बात है आपको पता है कि किसी तत्व के किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो वो उसके समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। डाल्टन बाबा आइसोटॉप्स को बताने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए, मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट फील हो रहा था, मतलब समस्थानिक के बारे में सही से नहीं समझा पाए, समस्थानिक के बारे में सही से नहीं समझा पाए। और समस्थानिक और संभारिक दोनों के बारे में आप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने फिर आगे भी बोला था कि विभिन्न तत्व के परमाणु का गुण क्या होता है, भिन्न होता है। जबकि हम लोग बात करें आर्गन, पोटेशियम और किसकी, कैल्शियम की, तो आप कहेंगे ये तीनों ही संभारिक हैं, और आपको पता है कि संभारिक जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज लगभग में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब ये इन समस्थानिक और संभारिक के बारे में नहीं बता पाए, और तीसरा सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि तत्व का सूक्ष्मतम कण तो ये परमाणु बोला, ये ठीक है बात, लेकिन जो यहां पे ये यौगिक का सूक्ष्मतम कण सबसे पहले यौगिक परमाणु का नाम दे दिया, ये बात गलत है, क्योंकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु है, तो डाल्टन के द्वारा यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या है आपका, यौगिक परमाणु है। अब यहां पे आप क्या कह सकते हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक के बारे में, कि डाल्टन जो है वो
परमाणु अविभाज्य है इस चीज़ के बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आज के डेट में परमाणु विभाजित है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। डाल्टन समस्थानिक और समभारिक के बारे में क्लियर नहीं कर पाया। डाल्टन यौगिक के सूक्ष्म कण को यौगिक परमाणु बोला, जबकि आज हम लोग उसको यौगिक के अणु बोलते हैं। ये आपके परमाणु सिद्धांत के दोष हैं, लेकिन यहाँ तक ये क्लियर हो गई थी कि तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा, वो परमाणु होगा, वो क्या होगा, परमाणु होगा। अब जब इस चीज़ की आप कहोगे सर क्या इसकी इसके पास सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन को, जो आपका रासायनिक समीकरण के लिए नियम है, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और आपका निश्चित अनुपात का नियम, इन दोनों को ये एक्सप्लेन किया और उसको इनेबल बनाया, उसको अप्रूवल दिया और उसको प्रूफ किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो इस चैनल को, इस चैनल पे नए व्यूवर होंगे, जो नए देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप जैसे बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जिसको एग्जाम रेलेवेंट मटेरियल की जरूरत होती है, तो अगर उनके पास पहुंचेगा तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर मिलते हैं हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के दूसरे सेशन में, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे परमाणु, अणु और आयन की, क्योंकि मैंने यहाँ तक जो पढ़ा है अभी तक, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ का पता लगा लिया है कि जो तत्व होता है उसका सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु है, और यौगिक जो है उसका सूक्ष्मतम कण क्या है, आपका अणु है, क्योंकि यौगिक परमाणु नहीं होता, ये डाल्टन के अनुसार होता था। ठीक है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के बारे में एक बात आप याद रखेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपके लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन को पहले बताया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ से परमाणु के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।